हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। तो आज मेरा है अहोई अष्टमी का व्रत करने वाली हूँ पूजा और यहाँ बहुत ही हम महिलाएं अपने संतान के लिए लंबी आयु स्वास्थ्य के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। हम हिंदुओं में अहोई अष्टमी का विशेष व्रत है। खाने में मैंने कुछ अलग सा नहीं बनाया था, बस बच्चों ने जो डिमांड की मैंने वही बना दिया। और मेरे बच्चों को पनीर छोले हलवा, लेकिन वो हलवा में ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं करते इसलिए मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले भी नहीं है। और साथ ही हाँ, मेरे बच्चों को पुए बहुत ही पसंद है इसलिए मैं पुए ज़रूर बनाती हूँ। ये सब चीज़ें मैंने आज पूजा में बच्चों के लिए बनाई हैं क्योंकि ये सब बच्चों की डिमांड की है। एक्चुअली मैं हर बार अहोई अष्टमी पे वही चीज़ें बनाती हूँ जो मेरे बच्चे डिमांड करते हैं। आज के दिन हमें किसी धारदार शार्प ऑब्जेक्ट जैसे चाकू कैंची खुरपी आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी कथा के अनुसार साहूकार ने मिट्टी लाने के लिए फावड़े से ज़मीन खोदी तो स्याही का बच्चा जो है वो मर गया था और इससे क्रोधित होकर ही स्याही ने साहूकार की पत्नी को श्राप दे दिया था कि अब तुम्हारे सारे बच्चे धीरे धीरे मर जाएंगे, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये देखिए मेरी पूजा की थाली भी बातों बातों पर तैयार रह चुकी है और यहाँ मेरा बेटा खड़ा हुआ है, वेट कर रहा है कि मुझे कब खाने को मिलेगा। क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह सुबह से मेरा रखते हथेली ना मैं तूने कुछ खाया देर से क्यों खाई कोई ना पूछे जब हम तीनों मम्मा को खिलाएंगे। करनी है सबकी मुझको सताते हैं माँ। तो अब अहोई माता की माला को कच्चे दूध और शहद से स्नान करा के ही पहनना चाहिए और दिवाली तक लगातार पहनने की हमें कोशिश भी करनी चाहिए। और दिवाली वाले दिन जब अहोई अष्टमी के दिन भरा हुआ जल का करवा जो है ना उसमें ही अपने बच्चों को स्नान कराना चाहिए और फिर दिवाली वाले दिन इसको गंगा जल से शुद्ध करने के बाद में सुरक्षित रख देना चाहिए वापस अगली बार पूजा के लिए। उंगली पकड़ के हमें अपने बच्चों में संस्कार बचपन से ही डाल देने चाहिए। जैसे कि हम हिंदू हैं तो हमारे यहाँ नियम है सुबह में पूजा करके ही घर से निकलते हैं और शाम को भी हमारे यहाँ नियम होता है पूजा करने का, तो ये चीज़ें हमें बच्चों को बतानी नहीं चाहिए, हमें बच्चों के साथ में करनी चाहिए। इससे बच्चे इनकरेज होते हैं और अपने रिलीजन को पहचानते भी हैं। तो देखिए मेरे तीनों ही बच्चे कितनी तसल्ली और प्यार से पूजा कर रहे हैं क्योंकि मैं हमेशा पूजा में उनको साथ में बिठाती हूँ, उनको हर चीज़ बताती हूँ समझाती हूँ तो उन चीज़ों को वो समझते हैं। मुझे फूलों की तरह क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह। ये जितना भोला भी दिख रहा है ना उतना है नहीं, ये बहुत ही शैतान है। अभी शक्ल इसकी कितनी प्यारी और भोली लग रही है ना। कहा मुझे क्यों ऐसे पाला था।